सर क्या हुआ? जानवी मैडम बाबा साहब चंगू हुआ क्या है? जानवी मैडम बाबा साहब बाबा जानवी आप लोग ठीक है ना? सब ठीक है? जानवी ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, वो हम लोग वॉक पे गए थे तो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। ये छोटा सा एक्सीडेंट नहीं है जानवी। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम निशा को बचाने की क्यों कोशिश कर रही हो? बेटा आज निशा ने हम पर गुंडे छुड़वा दिए। अगर आज ये जानवी नहीं होती ना मैं तुम्हारे सामने आज जिंदा नहीं बैठा होता। चलो डॉक्टर के पास चलते। नहीं इट्स ओके, मैं घर जाके बैंडेज कर लूंगी। आप बाबा साहब के पास रहिए, उनकी सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इट्स नॉट ओके, तुम हमारी इतनी फिक्र करती हो और ऐसे में मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं? मैं घर जाके पट्टी कर लूंगी। प्लीज परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले हाँ, से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। हाँ
रहे हैं आप? तुम्हारी चोट देख रहा हूं। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक? नाक तोड़ देंगे आप मेरा? तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी